हेलो दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर तरुण और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज की इस वीडियो में। मात्र 3 दिन में आप अपने बिलीरुबिन को कैसे कम कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे बात हो रही है कि आपने अपनी जांच करवाई है, उसमें आपने देखा कि आपका बिलीरुबिन 1 से ऊपर चल रहा है। यहाँ पे हम बात करेंगे 3 से नीचे वाले बिलीरुबिन की, कि आप उसको कैसे ठीक कर सकते हैं विदाउट एनी मेडिसिन, बिना किसी डॉक्टर के पास गए हुए। अगर आपने अल्ट्रासोनोग्राफी करवाई है, उसमें भी ऐसा कुछ खास नहीं आ रहा है, गोल ब्लडर स्टोन्स वगैरह नहीं आ रहे हैं, तो 3 दिन जो जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ आप उनको इस्तेमाल कर लीजिए, आपका बिलीरुबिन डेफिनेटली कम हो जाएगा। तो सबसे पहले, हमारे लीवर के अंदर जब भी बिलीरुबिन बढ़ता है तो लीवर के अंदर समस्याएँ चल रही हैं, ठीक है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि हमारा बिलीरुबिन बढ़ा हुआ है तो साथ में SGPT और SGOT भी बढ़ेगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। कुछ केसेस में केवल बिलीरुबिन बढ़ जाता है, मतलब जिसको हम पीलिया बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें परहेज करना होता है, खाने पीने का विशेष ध्यान रखना होता है, तब जाके आपकी कंडीशन ठीक हो सकती है। यहाँ पे दोस्तों 3 दिन की बात हुई है, तो 3 दिन में आपको कोई भी अन्न नहीं खाना है। अन्न का मतलब आप समझ सकते हैं कि आपको दाल, मैदा, रोटी, चावल, ये सारी चीज़ें अवॉइड करनी है केवल 3 दिन के लिए। इसमें केवल आपको अपने पेट के अंदर लिक्विड डाइट डालनी है, केवल फ्लूड वाली डाइट डालनी है। इसमें आपको क्या क्या लेना है, खाने पीने से देखिए, आपको पानी पीने से ही और जो लिक्विड चीज़ें हैं इनसे ही आपको पेट भरना होगा। सबसे पहले आपको इसमें पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना होगा, पूरे दिन में आप पानी से ज़्यादा पीजिए, क्योंकि जो हमारा बिलीरुबिन है वो सबसे ज़्यादा हमारी यूरिन के थ्रू बाहर निकलता है। जितना ज़्यादा आप पानी पियेंगे उतना ज़्यादा वो यूरिन के रास्ते वो निकलेगा। खाना नहीं खाएंगे तो लीवर को थोड़ा रेस्ट मिलेगा, वो जल्दी ठीक होगा, ठीक है, उसकी रिकवरी जल्दी होगी। तो पानी आपको ज़्यादा से ज़्यादा पीना है, कम से कम 8 से 10 गिलास आपको नॉर्मल पानी पीना है। इसके अलावा आपको जूस इस्तेमाल करना है। जूस में आप नारियल पानी को जरूर पीजिए, आपके आसपास नारियल पानी मिलता है, कोकोनट वाटर मिलता है, आप उसका सेवन जरूर कीजिए। सुबह शाम उसको आप जरूर लीजिए। इसके अलावा आप फ्रूट जूस पी सकते हैं, मतलब फलों का जूस आप पी सकते हैं, किसी भी फल का जूस आप ला के पी सकते हैं। सबसे बढ़िया है आपको जो खट्टे फल होते हैं, जो सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, आपको उनका इस्तेमाल करना है। जितना ज़्यादा आपकी बॉडी के अंदर सिट्रस फ्रूट्स जाएंगे उतना ज़्यादा आपका बिलीरुबिन कम होगा, जितना ज़्यादा पेशाब जाएगा उतना ज़्यादा आपका बिलीरुबिन कम होगा। तो सिट्रस फ्रूट्स में आप चाहे गन्ने का जूस आप ले लीजिए, उसमें ज़्यादा नींबू डलवा के आप ले लीजिए, नींबू का जूस बना के आप पी लीजिए, या फिर संतरे का जूस बना के आप पी सकते हैं। या जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको, अंगूर का, अगर अंगूर का सीज़न चला हुआ है तो अंगूर का जूस आप सुबह शाम पीजिए। गन्ने का सीज़न चला हुआ है तो गन्ने का जूस आप सुबह शाम पीजिए। नींबू पानी आप सुबह शाम पीजिए। भूख लगती है, पानी से पेट नहीं भर रहा, फ्लूड से पेट नहीं भर रहा है, तो दोस्तों आप इसमें बकरी का दूध भी ला के आप पी सकते हैं, वो भी आपकी लीवर को जल्दी ठीक करेगा। तो बकरी का दूध हुआ और जूसेस हुए। तो खाने में आपको और ज़्यादा भूख लगती है तो भाई आप दही भी ले सकते हैं, मट्ठा भी ले सकते हैं, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। 3 दिन तक बस आपको ये प्रक्रिया करनी है, पानी ज़्यादा से ज़्यादा और फ्लूड ज़्यादा से ज़्यादा। ये प्रक्रिया आपको तब करनी है जब आपका बिलीरुबिन 3 से कम है। ऐसा नहीं करना का आपका बिलीरुबिन जो 4 है 5 है 10 है 12 है और आप ये सारी चीज़ें करना शुरू कर दो, क्योंकि इतनी सारी, जब ये बढ़ता है ना बिलीरुबिन, जब इतनी मेजोरिटी से बढ़ जाता है तो कुछ ना कुछ अंदर सीवियर डिजीज़ चल रही होती है, कोई सीरियस डिजीज़ चलती है, तो वहाँ पे आपको कोई भी ऐसा एक्सपेरिमेंट नहीं करना है। हाँ, ये थोड़ा सपोर्टिव जरूर हो सकता है, लेकिन जहाँ पे आपका बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो वहाँ पे तो आपको मेडिसिन से ही इसको ठीक करना होगा, कंप्लीट डायग्नोस करके उसको ठीक करना होगा कि क्या प्रॉब्लम चल रही है। अदरवाइज आपका बिलीरुबिन इतना है तो आप बिल्कुल मत घबराइए, ये 1 से नीचे आ जाएगा अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करते हैं। अगर आपका SGPT SGOT बढ़ा हुआ है, कैसे कम किया जाएगा, क्या खाना चाहिए, क्या नॉर्मल रेंज है, इन सभी के वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, और अगर आप मेरे से जुड़ना चाहते हैं मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।